खवातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्री। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कायनात में सबसे तेज तरीन रफ्तार वाली चीज़ रोशनी है, जो एक सेकंड में 1,86,000 मील का फासला तय कर सकती है। फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी में सितारों वगैरह के दरमियान के फासले इंतहाई दर्जा तवील होते हैं। इन तवील फासलों को किलोमीटर्स या माइल्स में नापना मुअस्सर तरीका नहीं है। जिस तरह इलाकों, शहरों और मुल्कों के दरमियानी फासले को सेंटीमीटर्स में नापना बेकार होगा, क्योंकि सेंटीमीटर्स इलाकों के फासले को नापने के लिए बहुत छोटा यूनिट है। इसलिए इलाकों के दरमियानी फासले को नापने के लिए हम बड़े यूनिट यानी किलोमीटर्स या माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सितारों के दरमियानी फासलों को नापने के लिए किलोमीटर्स या माइल्स बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं। इसलिए हम सितारों के दरमियान के फासलों को नापने के लिए नूरी साल का इस्तेमाल करते हैं। फल्कियात को मापने के इस तरीके के बाद अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जमीन आसमान से कितनी बुलंदी पर है। खवातीन हज़रात, जमीन की सतह के गिर्द गैसेस की कई सारी लेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहली लेयर को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर में हम सब रहते हैं। सारे बादल, हवाई जहाज वगैरह सब इसी लेयर में जमीन के गिर्द सफर कर रहे होते हैं। खवातीन हज़रात, ट्रोपोस्फीयर लेयर जो है जमीन की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद है। फिर इस लेयर के खत्म होने के बाद इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के नाम की लेयर मौजूद है, जो जमीन की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर खत्म होती है। इस लेयर के अंदर ओजोन की लेयर भी मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन गैस की एक खास किस्म से बनी होती है और सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को ओजोन की लेयर जमीन तक नहीं पहुंचने देती। स्ट्रेटोस्फीयर के इख्तिताम के बाद जो लेयर शुरू होती है वो है मेसोस्फीयर, जो जमीन की सतह से तकरीबन 80 किलोमीटर ऊपर जाकर खत्म होती है। जब हमें कोई शहाबे साकिब नजर आता है तो वो असल में मेसोस्फीयर में होता है। फिर मेसोस्फीयर के इख्तिताम के बाद जमीन की सतह से 90 किलोमीटर ऊपर थर्मोस्फीयर शुरू होती है, जो जमीन की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर तक हो सकती है। और आखिर में थर्मोस्फीयर लेयर के बाद एग्जोस्फीयर शुरू होती है, जो जमीन की सतह से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। इंसान के भेजे गए सैटेलाइट्स दरअसल आखिरी दो लेयर्स में मौजूद जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। इस एग्जोस्फीयर के बाद बिलआखिर आउटर स्पेस शुरू हो जाती है। खवातीन हज़रात, जिसे हम आसमान का नाम दे रहे होते हैं, इसमें हमें बादल, हवाई जहाज भी नजर आ रहे होते हैं, जो कि आखिरी लेयर में मौजूद होते हैं। इसी आसमान में हमें टूटे हुए तारे भी नजर आते हैं, जो कि असल में मेसोस्फीयर में होते हैं। इसी आसमान में हमें चांद भी नजर आता है, 1.3 नूरी सेकंड दूर है, यानी चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 1.5 सेकंड से थोड़ा सा कम वक्त लगता है। इसी आसमान में हमें सूरज भी नजर आता है, जो कि आउटर स्पेस में हमसे 8 नूरी मिनट दूर है, यानी सूरज की रोशनी को सूरज से निकलकर जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और खवातीन हजरात, इसी आसमान में आउटर स्पेस में मौजूद तमाम सितारे नजर आते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो हमारी मिल्की वे कहकशां में मौजूद हैं, हमसे सैकड़ों हजारों नूरी साल दूर हैं। इसलिए आसमान कोई फिजिकल चीज नहीं जिसका जमीन से फासला नापा जा सके। अगर तो आसमान वाकई कोई चादर की तरह होता, जिस पर चांद, सूरज और सितारे किसी जर्रे की तरह चिपके हुए होते, तो इस आसमान नाम की चादर का जमीन से फासला नापा जा सकता था। लेकिन असल में जब हम अपने ऊपर आसमान को देखते हैं, तो हम ट्रोपोस्फीयर के बादलों, मेसोस्फीयर के टूटे तारों, सूरज और सितारों की तरफ आउटर स्पेस में झांक रहे होते हैं। इसलिए ये पूछना कि जमीन से आसमान तक का फासला कितना है, साइंसी लिहाज से एक गैर अहम सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी बहुत सी दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।